वहीं कानपुर में एक युवक को अधिकारी बंद मोहल्ले में रौब गांठने का ऐसा शौक चढ़ा कि उसने घर वालों को ही आयकर विभाग में नौकरी लगने की झूठी सूचना दे दी। परिजनों ने भी बकायदा हवन पूजन और 200 लोगों को भोजन कराया। उसके बाद युवक रोजाना सुबह समय से नौकरी के नाम पर निकल जाता और शाम को आ जाता। करीब 8 महीने बाद मंगलवार को उस समय घर वालों को आघात लगा जब पुलिस ने युवक को चेकिंग के दौरान पकड़कर उसकी पोल खोल दी। हालांकि उसने फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर पहले पुलिस को भी दबाव में लेने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे वो टूट गया। बुधवार को उसे जांच पड़ताल के बाद जेल भेज दिया गया। हालांकि अभी तक फर्जी आई कार्ड के जरिए किसी तरह की धोखाधड़ी की बात सामने नहीं आई। रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। रितेश के खाते की 8 माह की जानकारी भी जुटाई जा रही है। यह पूरा मामला कल्याणपुर थाना अंतर्गत बताया जा रहा है।